हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम कॉमन नेम फॉर अल्काइल ग्रुप। यस, जो अल्काइल ग्रुप हम IUPAC नेमिंग करते वक्त प्रीफिक्स में लगाते हैं। यस, जो कि हमको बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि हम कहाँ पर आइसो लगाए, टॉट लगाए कि सेकेंडरी लगाए। यस, तो आज के वीडियो में हम बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर एक ही कार्बन रहता है, यस, तो हम एक कार्बन के लिए लगाते हैं मिथ। यस, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप बोला इसलिए हम लगाएंगे YL। सो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल। देन नेक्स्ट, दो कार्बन के लिए हम लगाते हैं इथ, और यहाँ पे आ जाएगा YL, तो ये हो जाएगा इथाइल। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 3, 1, 2, 3, नंबर ऑफ़ कार्बन 3 है। इसके लिए हम लगाते हैं प्रोप और वाइल लगाएंगे, डेट इज़ प्रोपाइल। बट यहाँ पे हम लगाते हैं एन प्रोपाइल, प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं एन। एन मतलब क्या होता है, नॉर्मल, मतलब आपकी सीधी स्ट्रेट चेन होती है, इसलिए हम लगाते हैं यहाँ पे एन प्रोपाइल। ठीक है, हम मिथाइल और इथाइल में एन प्रोपाइल नहीं लगा, एन नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कंडीशन नहीं मिलता। अगर आप इसमें देखेंगे, सो यहाँ पे क्या है, देखिए प्रोपाइल है, यहाँ पे भी प्रोपाइल है, दो कंडीशन है ना, यहाँ पे एन लगाते हो और ये आइसो लगाया है आपने, बट ये केस में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम एन प्रोपाइल इसमें बोलेंगे जब नंबर ऑफ़ कार्बन 3 रहेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 4 रहा तो हम बोलेंगे एन ब्यूटाइल। नंबर ऑफ कार्बन 5 रहेगा बट स्ट्रेट चेन में रहना चाहिए, तो ही हम यहाँ पे एन लगाते हैं, डैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ब्रांचिंग में आ गया, तो जब ब्रांचिंग में आ गया तो यहाँ पर क्या लगाया हमने, आइसो लगाया है। ठीक है, मतलब सेम ग्रुप, तो आइसो प्रोपाइल क्यों बोला है। यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये जो आपका ये फ्री जो भी बॉन्ड छूटा हुआ है, किस लिए, कि कार्बन शो करने के लिए, कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है यहाँ पे, इसलिए 4 बॉन्डेड, डैट इज़ ये है 1, 2, 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसलिए कार्बन के टोटल कितने 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। तो यहाँ पे इस कार्बन और हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पे CH3 दो ग्रुप अटैच है, दो की दोनों कैसे हैं, दोनों सेम है, इसलिए सेम के लिए हम वर्ड लगाते हैं आइसो। यहाँ पे आइसो लगाया है, और प्रोपाइल क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, इसलिए यहाँ पे लगा है प्रोपाइल, डेट इज़ आइसो प्रोपाइल। सी द नेक्स्ट वन, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इसीलिए यहाँ पे लगाया है ब्यूटाइल। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस कार्बन वाले के साथ आपके दो CH3 ग्रुप कैसे सेम है, इसलिए यहाँ पर लगा है आइसो, आइसो ब्यूटाइल। सी द नेक्स्ट वन, सो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, सो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ़ कार्बन के लिए आप लगाओगे ब्यूटाइल, और यहाँ पे सेकेंडरी लगाया हुआ है SEC, इसका मतलब क्या होता है, सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका जो बॉन्ड है फ्री है, यहाँ पे कोई भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। ठीक है, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, नाइट्रो ग्रुप हो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कौन सा, ये है जो डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन के साथ कितने डायरेक्टली कार्बन अटैच है, तो ये वाले कार्बन के साथ 1, 2 दो ही कार्बन अटैच है। ठीक है, इसलिए हम इसको, दो कार्बन अटैच है इसीलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, देन सी नेक्स्ट वन, यहाँ पर कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सो यहाँ फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, डायरेक्टली 1, 2, 3। ठीक है, कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन अटैच है, तो इसीलिए 3 कार्बन अटैच है, सेम ग्रुप है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, 3 कार्बन के लिए टर्शरी यूज़ करते हैं, डैट इज़ 3 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉट ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन कितने, 1, 2, 3 एंड 4, इसीलिए टॉट ब्यूटाइल। देन सी द नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ठीक है, ये केस में देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए यहाँ पे पेंटाइल लिखा। अभी नियो क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखते हो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है, इस कार्बन से कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, इसके बाद वाले कार्बन से आपके 3 ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको बोला है नियो पेंटाइल। अगर आप सेकेंडरी में देखते हो तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही आपके कैसे हैं, कार्बन अटैच है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही कार्बन अटैच है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन ये है, इससे कोई भी आपका अटैच नहीं है ग्रुप। ठीक है, इसके बाद वाला कार्बन जो है उसके साथ आपके 3 ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल। सो आई होप कि आपको कॉमन नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप समझ में आया हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।